हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप देख सकते हैं भाई इतनी मतलब आ चुका है डीजल अभी तक इसमें। पहले भाई अपना ओटीजी केबल ले लेते हैं इसका, भाई इसकी भी जरूरत थी। पहले जी केबल लेनी पड़ेगी क्योंकि पेन ड्राइव में भाई ट्रांसफर करने के लिए पेन ड्राइव तो लगेगी नहीं ओटीजी केबल के बिना। तो पहले सबसे पहले ओटीजी केबल लेंगे, फिर चलेंगे यस भाई के घर। आज उन्होंने बुलाया था भाई आ जाना, वहाँ पे आपको दिखाएंगे क्या कुछ, तो एंजॉय कीजिए भाई इतने वीडियो आप। तो सबसे पहले आप लेते हैं मोबाइल स्टोर से इसकी ओटीजी केबल और ओटीजी पेन ड्राइव वगैरह, देख लेते हैं। 18.9 किलोमीटर जो है दिखा रही है अभी तक। तो गाइज यार ओटीजी केबल तो नहीं मिल पाई क्योंकि शॉप बंद थी, तो संडे तो नहीं मिल पाई। तो भाई आते वक्त देखते हैं क्या मिल पाती है क्या भाई। वैसे यार ओटीजी केबल तो लेके चलनी चाहिए, वैसे गलती की थी आपने जब लेनी थी, पर यार इतना वो पता नहीं था ना कि अपने को जरूरत पड़ेगी क्योंकि दोस्त स्टोर चल जाए। लेकिन यार जब रिजोल्यूशन मारता ना वीडियो बहुत ज्यादा बन जाती है इसकी, और एमबी बहुत ज्यादा चल जाती है भाई, तो उसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि ट्रांसफर वगैरह करेंगे तो लैपटॉप में फिर जरूरत पड़ेगी उसकी, और एडिट वगैरह भी करनी पड़ेगी ना। तो देखते हैं भाई कैसे रहता है उसका ब्लॉग वगैरह भी और रिव्यू भी करना पड़ेगा गाड़ी का, देखते हैं कार मिल पाती है क्या। लो भाई शर्मा जी के भाई अपने रोड पे चढ़ चुके हैं, उनकी रास्ते पे चल रहे हैं भाई। तो बस 5-10 मिनट लगेंगे भाई उनके घर पहुंच जाएंगे। देखो भाई कितनी हरियाली में बैठे हैं शर्मा जी यार, अपने तो शहरों में कोई हरियाली देखने को नहीं भाई। यहाँ पे देखो कितनी मतलब हरियाली है यार, ये कनक है इस टाइम भाई यहाँ पे, तो कनक कट भी सीजन चल रहा है, तो भाई गर्मियाँ तो आएगी वैसे लगभग, तो कनक का भी टाइम आएगा। देखो तो बस 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगे भाई अपने। देख लो भाई एवरेज देख लो, ड्राइव रीसेट कर 30.8 किलोमीटर चल रही है भाई, 36 किलोमीटर। और 135 किलोमीटर जो बाइक चल सकती है 500 वाट लगाया था, तो यार इसके हिसाब से देखो 135 दिखा रहे हैं MID तो इसका, लेकिन देखते हैं भाई कितना चल पाती है। वैसे तो ये ज़्यादा दूर नहीं पड़ता यार इनका काम, ये कुछ यही 10 या 20 किलोमीटर मान लो आप, 20 किलोमीटर चलता है तो 20 किलोमीटर आने के और 20 किलोमीटर जाने के, 20 किलोमीटर तो 40 किलोमीटर मान लो यार आने जाने के जो भी है यहाँ पे पड़ता है, तो 20 किलोमीटर मतलब सही दिखा रही है यार उसके हिसाब से एवरेज भी। चलो मिलते हैं भाई अपने गौतम भाई शर्मा जी के घर, एंजॉय करो वीडियो। बहुत खतरनाक टर्न है भाई यहाँ पे, बहुत ज्यादा टर्न खतरनाक है, गाड़ी बिल्कुल ही जो अपने को स्लो करनी पड़ती है वरना इसके बिना गाड़ी उड़ती हुई भाई यहाँ पे मिलेगी अपने को गाड़ी। पिछली टाइम आया था ना भाई तो उस टाइम मेरी स्पीड थी 80 के कुछ करीब थी, तो उस टाइम यार पता नहीं था इनके रास्तों का, तो अब तो चलो पता है कितनी बार आ चुके हैं तो अब तो पता चल गया। वैसे यहाँ पे यार उस टाइम मेरी 80 की स्पीड कार थी, तो उस टाइम शुक्र है कि ट्रैफिक ज्यादा नहीं थी, ट्रैफिक ज्यादा नहीं थी तो भाई, तो उस टाइम ना मैंने टर्न ले लिया, और टर्न ले लिया ना तो भाई कार है ना जो इतनी मतलब इतनी जो है ना फास्ट तो थी, पर है ना कार टर्न लेते ही जो ये भाई साइड हो जा निकल गई यार, निकल गई नहीं, तो भाई टर्न लिया ना कार ना भाई खड़ी हो गई थी एक तरफ से, उड़ गई जो कहते हैं ना फ्लाइंग हो गई थी, फ्लाइंग कार होने की थी भाई उस टाइम, मतलब ऐसे हो गई थी कार, ऐसे टर्न ले रहे थे ना तो कार पलटने के लिए तो नहीं हुई थी, बस टायर पे वो तो शुगर है उस टाइम ब्रेक ले लिया था भाई, वरना कार तो गई थी अपनी उस टाइम। चलो भाई स्लो करना चाहिए टर्न पे, जब भी जाए तो स्लो कर लो भाई टर्न पे कोई मतलब नहीं है, अपना सेफ्टी से चलाया करो, सेफ्टी फर्स्ट है भाई, टर्न बहुत जरूरी है यार, टर्न स्लो करनी चाहिए टर्न पे भाई। देखो भाई देसी खाना, देसी खाना आज शर्मा जी ने अपने लिए देसी खाना दिया भाई, और दही और ये है चटनी, सलाद भी भाई अचार भी है सेंटर, वो चिट्टी देखो भाई देसी खाना भैया पूरा घर का खाना ये, और ये भैया लस्सी, लस्सी यार इतनी टेस्टी लस्सी है, देखो ये वीडियो बना रहा दिक्कत परेशानी तो नहीं, पूरा देसी खाना जमा जमा क्या अपनी स्पेशल मेरे लिए बनाया है ना, बिल्कुल भाई खतर ये लो गाइस। चलो भाई इसके बाद अपन रिव्यू के लिए जाएंगे, शर्मा जी ने बुलाया किसी को, ये देखो अपने बाहर भी एक i20 खड़ी है और इधर भी i20, देखते हैं किस चीज़ का रिव्यू कर सकते हैं आज, किसका करवाओगे शर्मा जी बताओ, संतरो संतरो ये कौन सी है?
अरे कहना क्या चाहते हो? ये सैंड्रो। चलो गाइस खाना खा के मिलते हैं फिर। कौन आ रहा है यार? मित्र। कौन सी कार है उनके पास यार? गांव की लुक अलग ही है वैसे। गांव की लुक अलग है यार, देखो क्या बात है भाई। खाने देखा आपको कुछ लगा भाई शर्मा, इसमें कुछ चेंजिंग करवाने की जरूरत है? चेंजिंग करवाने की जरूरत है इसमें? क्या करवानी है? टायर डलवाने की जरूरत है। टायर तो यार वो तो डलवाया नहीं ना, टाइम बहुत हो गया, कितने चल सकी है भाई। शर्मा जी के अपा खेत में आ चुके हैं। शर्मा जी अपने खेत ना? हाँ अपने। ये गन्ने? गन्ने गन्ने शुगर केन। और ये यहाँ पे कनक है भाई? कनक सरसम बरसीन। बरसीन चारा पशुओं का? पशुओं का चारा। और ये ट्यूबवेल है भाई? ट्यूबवेल अपना आगे है क्या? अपना वाला आगे। अच्छा अच्छा यार कनक देखो हरियाली कितनी मत बढ़िया लगती है यार। हाँ सारा खुला खुला है, कोई भी आस पड़ोस घर नहीं है यार। आगे फार्म हाउस है क्या अपना? है क्या ये? है अपनी। अच्छा भाई शर्मा जी आज अपने खेत में लेके जा रहे हैं अपने को। और भाई सस्पेंशन का ना यहाँ पता चलता अपनी गाड़ी का, कितने ऊपर नीचे रास्ता गाँव का कितना खराब होता भाई। ये देखो भाई कितने बड़े बड़े गन्ने हैं। ऑफरोडिंग है 20 बहुत अच्छी गाड़ी। ऑफरोडिंग भाई अपने आप गाड़ी लेके आना। वो आप कौन सी कह रहे थे? कौन सी ब्रेनो? बलिनो का यार, बलिनो की तो आप ड्रैग रेस करवाओ एक दिन। थार ना है एक दिन? हाँ थार भाई, थार 4x4 और ऑफरोडिंग में मजा आ जाएगा यार। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? धान का टाइम आएगा ना उस टाइम यहाँ पे, मतलब उस टाइम करेंगे फिर ऑफरोडिंग। ये क्या करते भाई, कोई सबूत नहीं रहना चाहिए भाई। ये भाई टाइल वगैरह लगाई नहीं क्या अभी? कब लगा टाइल? तो यार फार्म हाउस बढ़िया बना है। देखो भाई घर की गाय भैंस क्या बात है यार। बेर ऊपर देखो, बेर की छाए, बेर की छाए। ये लोग आए। क्या नाम भाई इसका? इसका चिलकनिया। चिलकनिया। और ये कौन है? चिलकनिया की माँ बोल रही है यार। ये तो भाई ये बेर और ये नीचे इनके काउ वगैरह हो गए। ये देखो भाई फार्म हाउस इनका सारे टूरिस्ट वाले कोई बोल दे, डिस्क्रिप्शन दे यार भाई, वो देंगे यार कोई दिक्कत नहीं। फार्म हाउस यार बहुत बड़ा बना रखा आपने ना ये। इसमें क्या भाई खाद है क्या? सीमेंट पड़ी है। सीमेंट फार्म हाउस बढ़िया बना रखा है यार भाई ने। ये रही भाई सेंट्रो, ये फार्म हाउस और कंटा कुंटा तो पड़ता होता है। ये भाई शर्मा जी कैसा लगा? प्लीज एंजॉय द फूड। फूड फूड ये वो स्नैक्स है। स्नैक्स स्नैक्स देख के भाई पावड़ा भाई चल दे पावड़ा भाई। कब लगाओगे टाइल वगैरह? अपने टाइल वगैरह बस 2 दिन में लग जाएंगे। 2 दिन में पूरी यहाँ तक अंदर गर्मी? अच्छा गर्मी यहाँ भी लगाते भाई। चलते हैं फिर अपनी कार। नहीं तो कनेडा।